दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है रिफर्बिश्ड फोन क्या होते हैं, ये क्यों सस्ते मिलते हैं बजाय नए नए फोन से, और क्या ये आपको खरीदने चाहिए कि नहीं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और मैं आज आपको रिफर्बिश्ड फोन के बारे में हर एक चीज समझाने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप जरा मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप मोटोरोला का G4 प्लस फोन खरीद के आए 15,000 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, आपने 15,000 रुपए खर्चा किया और नया फोन ला के घर पे रखे और आप उसको खोलने जा रहे थे फोन का डिब्बा। तब से एक आदमी आता है, अनजान आदमी, कहता है कि भाई फोन मुझे खोलने दो और मैं तुमको 5,000 रुपए दूंगा, और फोन मुझे नहीं चाहिए, मैं बस खोल के देखूंगा और तुमको दे दूंगा, और मैं तुमको इसके 5,000 रुपए दूंगा। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आप वो 5,000 रुपए नहीं लेंगे, कि आप उसको खोलने का मौका नहीं देंगे और उसके बदले 5,000 रुपए नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से काम करता है रिफर्बिश फोन का फंडा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई मान लीजिए मैंने एक फोन ऑर्डर किया J7। दोस्तों, मैंने फोन ऑर्डर किया J7, वो आया, बढ़िया चल रहा था, उसे बात किया मैंने और 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी। मैंने अमेजन से मंगाया था और 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और मैंने 7वें 8वें दिन का दिया कि भाई मुझे फोन अच्छा नहीं लगा और इसको वापस ले जाओ, और उसमें कोई इश्यूज नहीं डाले, ना कोई स्क्रैच किया मैंने, फोन एकदम अच्छा है, बिल्कुल नया जैसा डिब्बा ऊपर रखा है, मैंने वापस कर दिया, अमेजन वाला सेल्समैन आया ले गया उसको, और उसने मुझे कोई सवाल नहीं किया क्यों, मैं कह दिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बस ले जाओ। तो आए लड़के ले गए और मुझे अपना पैसा वापस मिल गया। अब दोस्तों, वो फोन ले गए, उसका जो पैकेट वगैरह खुला है, सील नहीं है, उसका सील जो टूट गया है, तो वो फोन अब कौन लेगा। दोस्तों, आप बताइए, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको एक सील पैक लेना चाहिए या फिर अनसील पैक लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब अमेजन क्या करे उस फोन का, उस J7 का। तो अमेजन क्या करेगा, वो फोन जो 15,000 का था उसको उसने लिस्ट कर दिया कि भाई ये 10,000 में ही ले लो, रिफर्बिश फोन अनबॉक्स्ड या फिर ओपन बॉक्स कुछ इस तरह से लिख के 10,000 रुपए इसको प्राइस कर देगा, और अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आप उस ऑफर को ग्रैब कर लेंगे। पर दोस्तों, मुद्दा यही नहीं कि आप रिफर्बिश फोन जो पाए वो खरीद लें। आप ऐसी वेबसाइट से फोन कभी ना खरीदें रिफर्बिश फोन, जैसे शॉपक्लूज हो गई, ईबे काफी बड़ी वेबसाइट है पर इंडिया में उतनी सक्सेसफुल नहीं है, जैसे कि इन्फीबीम वगैरह, इस पे तो आप सोचिए भी ना कि रिफर्बिश फोन खरीद सकते हैं। रिफर्बिश फोन खरीदने के लिए तो मैं आपको केवल सजेस्ट करूंगा amazon.com या amazon.in या फिर केवल फ्लिपकार्ट, बाकी जो रेपुटेटेड वेबसाइट्स हैं उससे आप रिफर्बिश फोन खरीद सकते हैं। नहीं तो और वेबसाइट्स क्या करते हैं, रिफर्बिश फोन के नाम पे आपको फेक फोन पकड़ा देती हैं और फिर उन्होंने फोन बेच दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म, वो आपसे फिर कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको रेपुटेटेड वेबसाइट से फोन खरीदना है रिफर्बिश, और रिफर्बिश फोन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप खरीदिए, पर वेबसाइट रेपुटेटेड होनी चाहिए, जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको रिफर्बिश फोन के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। कुछ और जानना हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, और इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए, और आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए, और यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको कुछ और जानना है, बताना हो, तो कमेंट सेशन में जरूर से मेंशन कीजिए। और अभी के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।